नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। हीरो जीरो की एक्सपायर स्ट्रेटेजी है आपके सामने, आज प्रेजेंट करूंगा। 20,000 फंड में बैक टेस्टेड जो पीएल है वो है 1 लाख से ज्यादा है। वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल मैथ के ऊपर स्ट्रेटेजी बेस्ट है एंड ऑब्वियसली इंट्राडे की टाइम फ्रेम में होगा। एंड स्ट्रेटेजी की नाम के हिसाब से हीरो या जीरो इसका नाम है। तो कैसा क्या है वीडियो के अंदर पूरा देखिएगा, लाइक डेफिनेटली कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप अगर वीडियो हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट एवरी वीक मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है एंड ये स्ट्रेटेजी को हम बैक टेस्ट करने के लिए स्ट्रिक को यूज करेंगे। एंड स्ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास जरोधा, ऑब्स्ट्रक्स, पाइप पैसा या अंजल, कोई भी एक में आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स दिए गए हैं, आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट की अकाउंट है अंजल वन में भी एंड आप ये जो प्लेटफॉर्म है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रीक को यूज करना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कोडिंग की जरूरत नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज को किस तरह से आप स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली आप यहाँ पे कीवर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि हम आम जो हमारी जो भाषा है, हम जिस तरह से समझते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हुए हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली ऐड करना है। एंड ये स्ट्रेटेजी की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप पहले स्ट्रीक में लॉग इन करके स्ट्रेटेजी में क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज ये स्ट्रेटेजी आपको, आप जैसे ही कॉपी करोगे आपको मिल जाएगा स्ट्रीक में। जैसे ही लॉग इन पहले कर लीजिएगा, बाद में आप लिंक में क्लिक करके स्ट्रेटेजी को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसको हमने पुट को हमने यहाँ पे पीई पे रखा हुआ है। तो एक्सपायरी हमने करंट वीक का एक्सपायरी रखा है। हीरो जीरो तो ऑब्वियसली करंट वीक में होगा। लॉन्ग यानी हमारा जो पोजिशन होगा वो बाइंग में होगा। स्ट्राइक देखिए -3, पुट में जो ओटीएम्स होता है वो नीचे की तरफ होता है तो इसीलिए इसको हमने -3 में रखा है। वीकली एक्सपायरी है एंड चेंज फ्रीक्वेंसी में हमने कैंडल स्टिक रखा हुआ है ना, देख सकते हो। ठीक है, तो कैंडल हमने रखा हुआ है। यहाँ को हम डॉन करेंगे तो यहाँ पे सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिख रहा है। ओके, तो क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ऐड किया था इसलिए एग्जिस्ट दिख रहा है। सिमिलरली बाकियों को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी पुट को ऐड किया गया हुआ है -1, यानी नीचे की तरफ एक स्टेप ओटीएम यहाँ पे ऐड किया गया हुआ है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आप अगर देखते हो तो निफ्टी 50 में यहाँ पर हमने एट द मनी को ऐड किया हुआ है वीकली करंट पुट में। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो कॉल ऑप्शन में हमने नियर ओटीएम यानी +1 स्ट्राइक ऊपर है तो नियर ओटीएम हमने कॉल ऑप्शन में ऐड किया हुआ है। तो सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक को भी यहाँ पे ऐड करके टेस्ट कर सकते हो, आप सिंगल क्लिक में आपका बैक टेस्ट हो जाता है। स्ट्रेटेजी जैसे बताया, क्लोज जीरो हायर देन 5 यानी कैंडल की ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है। क्लोज जीरो यानी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हायर देन 5, न्यूमेरिक वैल्यू नंबर 5 के ऊपर होना चाहिए। क्लोज जीरो लोअर देन 15 यानी 5 और 15 के बीच में कैंडल की वैल्यू होना चाहिए। ये दो जो लाइनें हैं वो यही बताता है। एंड कैंडल टाइम हम फिक्स कर रहे हैं कि डे ऑफ द वीक हम इक्वल टू 4 रखेंगे जो कि थर्सडे का माना जाएगा। एंड कैंडल टाइम आवर यानी जो घंटे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू 14 यानी 2 बजे का टाइम फ्रेम या उससे ज्यादा हमने रखा है। कैंडल टाइम मिनट ऑफ द कैंडल हायर देन और इक्वल टू 30 यानी 2:30 के जब टाइम पीरियड 2:30 के ऊपर दिन में जब 2:30 बजेगा ना, 2:30 बजे या उसके आगे के टाइम में जब ये पैरामीटर मैच करेगा 5 और 15 के बीच में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उसका जब मैच करेगा ये बाय कर लेगा। जो भी हमने चारों को सिलेक्ट किया है, चारों में से जिसका भी मैच करेगा वो उसको बाय करेगा, मतलब टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। एंड स्टॉप लॉस 50% का रखेंगे, टारगेट 150% की रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 50% का रखा जाएगा। कैंडल टाइम सिमिलरली जो एग्जिट टाइम होगा वो 3:15 इंट्राडे की जो जनरल टाइमिंग होता है तो 3:15 में हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो यही लाइन इसको स्पेसिफाई करता है। बाकी चीज आप देख सकते हो 20,000 का मैक्सिमम एलोकेशन रखा है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल में आप यहाँ पे एलोकेशन को चेंज भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे ही हम 7 बैक टेस्ट में क्लिक करते हैं आपके सामने वो बेहतरीन रिजल्ट प्रेजेंट हो कहता है जो कि मैंने थंबनेल में आपको बताया था। लॉन्ग का पोजीशन सब में है एंड यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है, स्ट्रिक बहुत ही फास्ट है।
एंड यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने टेस्ट करके आपको दिखाता है कि आप अगर हीरो जीरो अप्लाई करते 5 और 15 की जो प्राइस है ना, जो क्लोजिंग प्राइस है ऑप्शन का, जो भी हमने OTM सिलेक्ट किए हुए हैं, एट द मनी सिलेक्ट किए हुए हैं, तो वहां पर किस तरह के रिजल्ट आपके सामने होता ये आपको आप देखिए दिखा रहा है। निफ्टी बैंक का सिलेक्ट हुआ है, निफ्टी 50 का सिलेक्ट हुआ है, यहीं पे भी शॉर्टकट में आपको पता लगता है कि कौन से डायनेमिकली हम स्ट्राइक सिलेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पर भी आप क्विकली क्वांटिटी को देख सकते हो, इसमें हम 20,000 यानी फंड वाइज हम अपना लॉट सिलेक्शन करेंगे एंड ये अपने हिसाब से लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करता है। 22 सिग्नल में से 14 सिग्नल में हमने प्रॉफिट किया हुआ है, 8 में लॉसेस है। लॉसेस में काफी कम होगा क्योंकि हमने प्राइस ही काफी कम सिलेक्शन किया था, 5 और 15 के बीच में। तो रिजल्ट आपके सामने आप देख रहे हो, 1,08,571 की प्रॉफिट है। आप इसमें ब्रोकरेज को भी काउंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा ब्रोकरेज ऑप्शंस में नहीं लगता है, तो 1,06,000 के आसपास की प्रॉफिट है अगर आप ब्रोकरेज को ऑन करोगे। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, स्ट्रिक को यूज करने के लिए बताया था, 4 जो ब्रोकर है उनका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया है, अकाउंट खोल के स्ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जेरोदा है, एंजल है, अंडर 5 पैसा ऑब्स्टॉक्स भी ऑब्वियसली है, तो आप स्ट्रिक को यूज कर पाएंगे। आशा है दोस्तों बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगेगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं बता दूं ये रिसेंट रिजल्ट्स, समझ रहे हैं, जब मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी होगा मार्केट कंडीशन के ऊपर ये रिजल्ट डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की रिजल्ट अभी मिला है तो बाद में भी ऐसा ही रिजल्ट देता रहेगा। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रख के स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज लॉसेज भी हो सकता है। पास्ट रिजल्ट को देख के फ्यूचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अज्यूम कर सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, वैरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड को समझिएगा, रिस्क रिवॉर्ड को आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ सकते हो, ये ध्यान डेफिनेटली रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।